यीशु के लिए जोरदार तालियां और मैं 15 मीटर ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर मैं पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहली बात जरा पढ़ ले, आए यहां लिखा है, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्ला कर अलूही अलूही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खैर इसको बहुत सारे सीखों में लिया जा सकता है और इस कैंडे का मैसेज हो सकता है, और क्योंकि हमने थोड़ा सा बोलना है, यीशु आप कहते हैं आपको ये नजर आएंगे ऐ बाप ना, वो आपको हम कहते हैं नजर आएंगे ऐ बाप, पर यहां आपको ये कहते नजर आएंगे ऐ बाप ऐ खुदा। अभी जाता हूं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यीशु ने कलमा कहा ऐ बाप और यहां कहा ऐ खुदा। यहां वो असल में जब कहता है ना ऐ खुदा, तो वो अपनी मुकम्मल इंसानियत, मैंने क्या कहा, मुकम्मल इंसानियत, अपनी मुकम्मल इंसानियत को जाहिर करता है कि मैं इंसान हूं, क्योंकि बाइबल कहती है वो कामल खुदा और कामल इंसान है। अब कामल वो इसलिए है कि उसमें कोई कमी है नहीं, इसलिए वो मुकम्मल है, और वो बेऐब बर्रा है, इसलिए वो कामल है। अब वो खुदा से मुखातब होता है और कहता बाप नहीं, कहता ऐ खुदा। पर दूसरी तरफ ये तमाम कलमात से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसके अंदर एक खास बात है, वो है जुदाई। बेटा हमेशा बाप के अंदर रहा, बेटा हमेशा बाप के साथ रहा, वो कभी बाप से जुदा नहीं हुआ। पर जब उसकी बशरियत, जब उसने एक जिस्म ले लिया, तो जब जिस्म ले लिया तो जरा गौर करें, वो जिस्म जो है उसका उसका उसकी जो पैदाइश है, उसको जब बनाया गया है उस जिस्म को, तो उसको बनाने वाला कोई है जी, जिसको वो कोई बनाने वाला है वो उसका खुदा होता है। हम सबका खुदा कौन है, हम उसे खुदा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारा खालक है। पर बेटे ने जो जिस्म लिया, वो जिस्म को छोड़ना था, मैंने क्या कहा, वो जिस्म को छोड़ना था, उस जिस्म की अलैदगी होने जा रही थी। और जब अलैदगी की बात करें तो यहां नफ्स है, मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे छोड़ने के मायने ले सकते हैं, उसको सुबह 11 बजे ना, रात को 11 बजे छोड़ दिया गया। मुझे थोड़ी सी अदायगी में परेशानी हो रही है, मुझे नहीं पता, रात को 11 बजे छोड़ दिया गया था। आप कहेंगे ये क्या है, ये इसलिए है कि वो ताने सुने, थप्पड़ खाए, कोड़े खाए, जलीलो खबार हो। अब ये नहीं कहेंगे ये छोड़ देने वाली बात है, नहीं नहीं, छोड़ तो वही दिया गया था कि जब आप किसी को छोड़ देते हैं, किसकी खुशी पुष्ट बनाई बंद कर देते हैं, तो फिर उसका वो हशर होना। खुदा अगर हमें
क्या छोड़ने के मायने ये लेने हैं कि वो घोड़े खाए, दुख उठाए, मुसीबत उठाए, मुसीबत उठाए, हाथों पांव में कील लगाए, लगवाए और फिर सर पर कांटों का ताज। पर यहां जो छोड़ा गया क्या एक खास बात है, वो इसलिए छोड़ा गया जब छोड़ा जाने को था क्योंकि शरीर पर अभी जान देनी थी। मैंने क्या कहा, क्योंकि खुदा जब तक उसे छोड़ता नहीं वो शरीर पर जान नहीं देती। और छोड़ने के बारे में मैं बता चुका हूं, उसने छोड़ दिया, वो भी छोड़ना था। यहां क्योंकि बाप बेटा कभी आपस में अलहदा नहीं हुए, इसलिए यीशु ने कहा मैं बाप में और बाप मुझ में, मैं और बाप एक है। पर जहां छोड़ दिया गया और ये तमाम दुख जो यीशु ने बर्दाश्त किए थे उनमें से सबसे बड़ा दुख ये था। कौन कौन यहां रूहानी बैठा हुआ, रूहानी कौन कौन यहां बैठा हुआ, आप दौलत को खुदा के लिए छोड़ देते हैं, इज्जत और शौहरत को खुदा के लिए छोड़ देते हैं, आप अपनी अना को और अपनी सारी पूंजी को छोड़ देते हैं खुदा के लिए। आपको याद होगा कैसे कई छोटे कण का था, उसने आधा माल गरीबों को दे दिया और जिनका ना हक लिया था चार गुना उनको अदा किया। आप जानते हैं कि ऋषा ने अपने हल तोड़कर उन्हीं बैलों को सबा करके वो एलिया के पीछे हो लिया, दूसरे पास में वो खुदा के पीछे हो लिया। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इज्जत शोहरत अपनी दौलत छोड़ देते हैं खुदा के लिए, पर उनको अगर खुदा छोड़ते तो ये नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बिल्कुल ये नुकसान आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि खुदा मुझे छोड़ दे, एक पल के लिए भी मुझे ना छोड़े, क्योंकि ये बाकी गर्व या दुख उससे बड़ा है कि खुदा मुझसे अलहदा हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बेशक खुदा इसके रुचि गलत था, पर उसे जब ये पता चला कि मैं मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया हूं, अब लीज ने उसे इस शक में मुबतला कर दिया तो उसने अपने आप को फांसी दे ली, उसने मौत कबूल कर ली, इसलिए कि वो ये जानना जानता था कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। सबसे बड़े दुख की बात है जब खुदा आपको छोड़ दे। इसलिए ये कलमा दूसरों से मुख्तलिफ है कि ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, क्या हालत हुई हो और मैंने आपके हाथ क्यों उठाया, पता तो मैं कौन है रूहानी, फिर से खुदा छोड़ के उसका क्या हाल होगा, उसके आंसू, उसका रोना चलाना, उसकी उम्मीद जाती रही। और मैं जानता हूं खुदावन को पता था कि ये जुदाई थोड़ी देर की है पर है सही, आमेन, ये जुदाई है पर है थोड़ी देर की है, क्योंकि यीशु मसीह ने इससे पेश कर ये कह दिया था मुझे अपनी जान देने और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। जैसा जैसा यूना नबी मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम आलमे रवा में 3 दिन रहे था, उसे पता था ये चटाई बेशक थोड़ी है पर ये भी बर्दाश्त से भारी है। असली रूह के वसीला से वो सलीब तक पहुंचाया गया और असली रूह ही के वसीला से वो मुर्दों में से भी जिंदा किया। एक बार मैं आपको करता चलू, मुझे खुशी हुई जो पहले कलमा सुना कर तीनों में बाकी सालों में बहुत फर्क पड़ा है, इन तीनों के लिए तालियां होनी चाहिए। देखिए आप
कोई भी काम शुरू करते हैं बेशक उसमें दुख तकलीफ या दर्द सहने पड़ते हैं, पर जब आपके शिगिर्द या आपके बहन भाई तरक्की करते हैं और उनके पास खुदा का कलाम सुनाने के लिए उनकी आउटपुट अच्छी हो जाती है, आप उस वक्त शुक्रगुजारी करते हैं। पिछले सालों में अब बहुत फर्क पाया गया है भाई कामरान, मैं सही कह रहा हूं, फर्क पाया गया है। बेशक बटून को जब तक सिखाया ना जाता वो यहां ना आते, ये सीखने की बात है। ये नाज़ से कहता आया हूं सही सीखो ताकि तुम खुदा का कलाम सही पेश भी कर सको, क्योंकि इस कलाम के सर पर लोगों को हमेशा की जिंदगी सामने मिलती है। जहां तू सुनता भी हो गया हमें चलेंगे पोसो, ये आज है तो लिखा क्या है ना, वैसे तो है। अब मैं थोड़ी इलम की बात कर लू, टाइम तो वैसे हो गया है, ये मैं अकेला भी आपको लिखा है। यहां कौन सा पैर था? अच्छा, ये आप रोमी हिसाब से लगाएंगे या यहूदी हिसाब से? क्योंकि रोमी फुटका और है और यहूदी फुटका और है। यहूदी जो रात के दिन के तीन पैर कहते हैं, कितने कहते हैं? क्योंकि वो एक पैर चार घंटे का मानते हैं। कितने का? तो आपसे भी मैं पूछूंगा कितने पैर होते हैं? कितने कहते हैं आपको? कितने ढूंढे हो? कितने पैर होते हैं? तो फिर आप रोमी हिसाब से कहते हैं चार पैर होते हैं। कितने? नींद कही है कि नहीं आते? कितने पैर? कितने पैर? सुबह छह से शुरू करो, एक तीन, ये तीन बजे की बातें हैं। कितने बजे की बातें हैं? ये तीसरा पैर शुरू हो चुका है। पर अगर आप लगाएंगे यहूदियों के हिसाब से तो वो चार चार घंटे का, क्योंकि बारह घंटे का दिन होता और बारह घंटे की रात। तो अब जो बौद्ध ने सबूत लिखा उसने दोनों सिक्कों का इस्तेमाल कर दिया, उसने कहा रात के चार पैर और दिन के, उसने यहूदी तरीका भी अपना लिया और फिर रोमी तरीका भी अपना लिया। तो ये तीन बजे का टाइम था, सुबह यीशु को छह बजे और नौ बजे उस पर उसे सलीब पर चढ़ा दिया। जब नौ बजे सलीब पर चढ़ाया, रात को ग्यारह बजे पकड़ा, एक सुबह छह बजे उसे ले गए और नौ बजे उसे सलीब चढ़ा दिया। ये दूसरा पैर था, कौन था? था एक दो। अब तीसरा पैर पर कौन सा बना है अपने हिसाब से? छे एक नौ दो बारह, ये रोमी हिसाब से है। हेलो, और अगर यहूदी लगाए तो आप उलझ लोगे, क्योंकि वो तो चार चार घंटे का है। कितने घंटे का है? पर यकीन ये है जो है, ये कितने बजे का टाइम है? क्योंकि नौ बजे उसे स्लीप दिया गया है। कितने बजे? नौ बजे स्लीप। तो फिर जब नौ से बचा बारह, तो एक हो गए दो और फिर उसी हिसाब से ये तीसरा पैर बनता है। कितने बजे? तीन बजे। क्योंकि तीन बजे यीशु ने कहा ए खुदा, बात नहीं कहना वाला, ए खुदा तूने मुझे दुध बना, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा तूने मुझे। अब क्यों का जवाब
मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, पर बड़े से बड़े आलम इसकी गहराई में दाखिल होने की कोशिश नहीं करते। हेलो, ये कोशिश मैंने इसलिए की है ताकि आपको बता दूं कि ये छोड़ना लाजमन था, अगर वो छोड़ता ना तो वो जानना। आमीन। खुदा आपको बरकत दे, अपनी बरकत से मालामाल करे। यहां बात ये हो गई कि उसने उसे छोड़ दिया। God bless you. Very, very, very good. Amen.